कलयुग में श्री कृष्ण की भक्ति और मुक्ति का साधन है ये। ये कहना है नारियल वाले गुरुजी के नाम से प्रख्यात श्री गजेंद्र श्रीवास्तव जी का। पिछले लगभग 2 दशक से अखंड धुनी के माध्यम से लोगों का दुख दर्द दूर कर रहे श्री गजेंद्र श्रीवास्तव के आश्रम में 26 और 27 जनवरी को भक्ति और भक्तों के संगम का सालाना कार्यक्रम हुआ। साथ में मेरे रहोगी, तुम दोनों साथ दोगी, साथ में मेरे रहोगी, तुम दोनों साथ दोगी, साथ में मेरे रहोगी, जिस तरफ देखूंगा तुमको उस तरफ मुझको दिखोगी, तुम मेरे एहसास को जब इस तरह जिंदा रखोगी, फिर कभी नहीं रहे मैं सोचूंगा कि ये तुम हो नहीं, फिर कभी मैं सोचूं। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भोपाल के आरजीपीवी कैंपस में नजारा पूरी तरह से भक्तों के रंग में सराबोर था। गुरुजी गजेंद्र श्रीवास्तव जी ने इस अवसर पर धुनी और भक्ति की महिमा वहां पहुंचे भक्तों को बताई। गुरुजी आज यहां पर क्या कार्यक्रम था, स्थान के बारे में बताइए। ये धुनी की स्थापना दिवस का कार्यक्रम था, अखंड धुनी यहाँ चल रही है 18 साल पहले यहाँ पर धुनी की स्थापना हुई थी। ये राजेश से इससे मैं खुदवाया था, इसको खोदो, नीचे एक सपना आया था यहाँ पर धुनी है, मैं उसको यहाँ पर फूल हमारे लगे थे गुलाब के, फिर भी मैंने कहा इसको खोदें, देखें तो नीचे परत मिल गई धुनी की, तो इसको हमने स्थापित कर दिया। इस पर अग्नि स्थापित नहीं करना पड़ा, इस अखंड धुनी पर इसमें गर्म राख निकली थी जिसमें कपूर डाला मैंने, और कपूर अगरबत्ती के चूरा डाला, कुछ देर बाद धुआं निकलने लगा और तब से ही चल रही है। अच्छा जी। और उसी के उपलक्ष्य में साल भर में इसकी धुनी की हम वो मनाते हैं, स्थापना दिवस मनाते हैं, और आज ये कार्यक्रम हरे कृष्ण महामंत्र का होता है। आज आपने भंडारा रखा है तो उसके पीछे कोई विशेष वजह? ये तो प्रसाद है भगवान का। अच्छा, भगवान के प्रसाद के लिए है भंडारा है, जितने लोग आते हैं यहाँ धुनी के दर्शन करने आते हैं तो उनके लिए प्रसाद है। हाँ। गुरुजी माता के दरबार के बारे में कुछ बताइए। शक्ति तो अग्नि देवता की है, अग्नि देवता तो शक्ति के स्वरूप हैं। मैंने इनको लिखा है हे अग्निदेव कर बद्ध विनय सुन लो, मेरी विनती सुन लो, तब धुने में हर पल रहना, हे अग्निदेव इतना करना, तब धुने की मर्यादा को मेरी मर्यादा को रखना, हर पल रहना तपते रहना, मेरे तप को पूरा करना, हे अग्निदेव इस धुनी पर कोई दुख प्रकट करे अपना, तकलीफ कहे कोई आकर, कोई यदि कष्ट कहे अपना, उसके हर कष्ट जला देना, उसके हर दर्द मिटा देना, हे अग्निदेव इस धुनी पर तपते मन को राहत देना, दिल भर भभूत का चमत्कार हे अग्निदेव दिखला देना, बस इतना नम्र निवेदन है। तो अग्नि की शक्ति, अग्नि हर जल करके हर चीज़ ज्वलनशील जितने पदार्थ हैं सब जल के अग्नि बनते हैं, और अग्नि शक्ति पर है, अग्नि साक्षात शक्ति का स्वरूप है, और उसी की सेवा हम करते हैं। आज मैं तुमको जलाता हूँ, कल तुम मुझको जला देना, आज मैं तुमको जलाता हूँ। और उनसे कहा भी है कि अपने दुख प्रकट करे कोई, कोई भी आकर यदि यहाँ दुख प्रकट करता है उसके हर कष्ट जला देना, उसके हर दर्द मिटा देना, हे अग्निदेव इस धुनी पर तपते मन को राहत देना, दिल भर भभूत का चमत्कार हे अग्निदेव दिखला देना, बस इतना नम्र निवेदन है, बस इतना नम्र। हर वर्ष अखंड धुनी के प्रकट इस अवसर पर यहाँ भजन कीर्तन और भंडारे का आयोजन होता है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।